नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ, उस रेसिपी का नाम है रूह फिश करी। ये बहुत ही एक ट्रेडिशनल सा एक रेसिपी है, तो चलिए आज वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से मेरी दादी नानियाँ ये रेसिपी बनाया करती थी, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम तेल में। मतलब बहुत ज़्यादा तेल मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगी, बहुत ही कम तेल में बहुत टेस्टी सा एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज को कट कर लिए हैं, हरे पके लाल मिर्च यहाँ पर ऐड किया है, 1/2 इंच अदरक के टुकड़े हैं और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ हैं। इसे हमें बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। याद रखिएगा, जब हम कोई कड़ी बनाते हैं उसमें फाइन पेस्ट मत ऐड कीजिएगा, उसमें थोड़ा सा पेस्ट को थोड़ा सा खुदरा रखिएगा, जिससे कि टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा सा आता है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट तैयार नहीं किया है। तो चलिए अब इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है। पहले मैंने रूहू फिश को थोड़ा सा हल्दी और नमक के साथ फ्राई कर लिया है और जितना तेल बचा है इसी तेल में मैं अब रेसिपी को बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा तेल नहीं इसमें पड़ता और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ थोड़ा सा हेल्दी खाना और थोड़ा सा टेस्टी, बहुत ही सिंपल वे में, जो हमारे घर में मसाले होते हैं उसी से ही बहुत ही टेस्टी सा एक रेसिपी तैयार हो जाए, वही कोशिश मेरा हमेशा रहता है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर लिया है। ज़ीरा जैसे थोड़ा सा हल्का भून जाए उसके बाद हम इसमें आलू, इस तरीके से स्लाइस किए हुए आलू जो है वो उसको ऐड कर लेंगे। आलू को ऐड करते साथ तुरंत बाद ही हम इसमें मसाले नहीं ऐड करेंगे, आलू को हम अच्छे तरीके से, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है, अच्छे तरीके से फ्राई नहीं हो जाता तब तक हम इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे। सॉरी, यहाँ पर देखिए आलू जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इसमें मसाले जो हमने पेस्ट बना के रखे थे वो हमने इसमें ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद इसे, गैस को हमेशा मीडियम फ्लेम में ही रखिएगा, लो फ्लेम में बिल्कुल मत दीजिएगा। इसे हम मीडियम फ्लेम में ही पकाएंगे, पूरी रेसिपी को ही हम मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। तो हमें इस मसाले को करीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। 3 मिनट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 2 मिनट तक हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, जिससे कि इसके जो कच्चापन है ये दूर हो जाए। 2 मिनट के लिए इसे हम मीडियम फ्लेम में अच्छे तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें बहुत ही थोड़ा सा मसाला इसमें ऐड करेंगे। अब हमने यहाँ पर 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं और नमक जो है वो स्वाद अनुसार हम इसमें ऐड करेंगे। करके अब हम अच्छे तरीके से इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। इसमें रेड चिली पाउडर मैंने ऐड नहीं किया है, अगर आपको रेड चिली पाउडर ऐड करना है तो वो आप कर सकते हो। अब हम मसालों को और 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसालों को और 2 मिनट के लिए भून लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरा जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर मैंने बहुत ही थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर चीनी ऐड किया है। चीनी ऐड करने से इसमें रंग जो है वो बहुत बढ़िया सा आता है, इसलिए हमने इसमें चीनी ऐड किया है। अब हम इसमें बहुत ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, करीबन 1/2 कप पानी हम इसमें ऐड करेंगे, जिससे कि मसाले जो है वो और भी मैं अच्छे तरीके से भून सकूं। नहीं तो मसाले बिना पानी के अगर मैं और भूनूंगी तो ये मसाले जो है वो जल जाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। करके अब हम इसे मीडियम फ्लेम में ही हम इसको, मसाले को फिर दोबारा से भूनेंगे। देखिए, मसाले जो है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से भून चुका है। अब जो है हम इसमें फाइनल पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने करीबन 1/2 लीटर पानी जो है वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। हाफ लीटर पानी मैंने यहाँ पर ऐड किया है। करने के बाद अब हम इसको ढक के करीबन 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 4-5 मिनट के बाद जो हमने फिश को फ्राई करके रखा है वो हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए, यहाँ पर 5 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। होने के बाद मैं यहाँ पर
फ्राई किए हुए फिश को ऐड कर रही हूँ। करके फिर से मुझे ढक देना है लो फ्लेम में। अब मैं इसको लो फ्लेम में पकाऊंगी, मीडियम फ्लेम में नहीं दूंगी, क्योंकि ये फिश नहीं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। इसलिए मैं इसको ढक के और 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। फिर देखिएगा ये जो है रेसिपी है बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। और ये रेसिपी जो है बहुत गाढ़ा नहीं खाया जाता है, थोड़ा सा पतला ही हम इसको रखेंगे, क्योंकि इसमें हमने आलू ऐड किया है। तो आलू जो है वो जितना ठंडा होता रहेगा, ये आलू पानी सोक करता रहेगा, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, थोड़ा सा पतला हम इस रेसिपी को रखेंगे। तो ये देखिए ये रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 5 मिनट बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और ये चावल के साथ बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है। तो आज का ये वीडियो बस यही तक। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।